आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने और हमारे गुरु लोगों ने मेरा इतना बढ़िया स्वागत किया, वेलकम किया। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में इससे लाख गुना वेलकम और लाख गुना आपको सरप्राइज मिले और गिफ्ट मिले। ऊपर वाले से यही प्रार्थना मैं करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, मेरे बारे में हल्का सा मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान है और इस बिजनेस से पहले मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और जयपुर का शास्त्रीगढ़ व्यास कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ। और आज इस बिजनेस की वजह से, आज सर के आशीर्वाद की वजह से और हमारे टाइगर टीम की वजह से आज मैंने अपने खानदान की, यानी मेरे 300 लोगों का परिवार है। कितने लोगों का? 300 लोगों के परिवार के अंदर 24 साल मेरी उम्र है और 24 साल की उम्र में मेरे लाइफ की पहली चॉइस की गाड़ी i20 टॉप मॉडल गाड़ी 9 लाख रुपए की इसी बिजनेस से खरीद के और मुझे वो दिन भी याद है कि आज से 2 साल पहले, कितने साल पहले? 2 साल पहले आरको पहले सिंधी कैंप के पास एक होटल है, वहां पर हमारी मीटिंग चलती थी। और आज से 2 साल पहले इस बिजनेस के अंदर मैं प्लान देखने के लिए आया था, इस बिजनेस के अंदर मैं मीटिंग देखने के लिए आता था तो 15 नंबर बस में आता था। किस में आता था? 15 नंबर। हमारे शास्त्री नगर से और सिंधी कैंप के लिए 15 नंबर बस चलती है। सुनो, और आज मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को और मेरे डिसीजन को और हमारे अपलाइन को। जो लड़का 15 नंबर के बस के अंदर आता था, आज वही लड़का इसी बिजनेस की वजह से आज बताओ पहली गाड़ी 9 लाख रुपए की गाड़ी पे पहुंच चुका है। 9 लाख रुपए की गाड़ी है। यानी आज से पहले जब मीटिंग हम लेते थे और मीटिंग जब समाप्त होती थी तो मीटिंग में काफी लोग आते थे, हमारे सीनियर लोग, और अपनी गाड़ी लेके चले जाते थे। ऐसा नो यानी हम जो अपना कृष्णा मेरी जो है बेरोड के अंदर से कोरबेस वहां चलता था, तो जैसे हम कोर बेस लेके निकलते थे बाहर तो रोड इतना खराब था कि इस रोड पर जैसे हम बस पकड़ने के लिए जाते थे तो काफी गाड़ियां वहां पे आती थी और वो गाड़ियां जैसे धूल मिट्टी जैसे ऊपर उठती है तो वहां पे हर इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा नो बोले यार, मीटिंग में इतना गर्म होते हैं जैसे बाहर जाते हैं तो वही बस के थप्पड़े खाने पड़ते हैं। ऐसा नो यानी उस दिन मुझे वो बात आज भी याद है और मेरे अपने आत्मा से मैंने एक डिसीजन लिया था कि यार इस बिजनेस के अंदर आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कितना भी काम करना पड़ जाए, लेकिन एक बार अपने खानदान की पहली गाड़ी तो खरीदनी पड़ेगी इस बिजनेस की वजह से। ये मैंने डिसीजन लिया था। ये सुनो और फर्स्ट टाइम अकेले शुरुआत करी थी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज मेरा 3000 का नेटवर्क है, लाखों रुपया मेरे पास इस बिजनेस से आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में घूम चुके हैं और हर इंसान का विदेश का सपना होता है। ऐसा नो ऐसा नो आवाज नहीं आ रही। ऐसा नो हर इंसान का सपना होता है कि यार विदेश में एक बार घूमना चाहिए। ऐसा नो लेकिन किसी भी एक आम इंसान की औकात नहीं है कि वो विदेश घूम सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद फिर से करता हूँ मेरे डिसीजन को, मेरे अपलाइन को, हमारे टाइगर टीम को और सेफ्स ऑफ इंडिया को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैंने इस बिजनेस से 4 बार थाईलैंड का टारगेट फाइट किया था। और लास्ट में अपना कमिटमेंट बता के अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ कि लास्ट मेरा क्या कमिटमेंट है। सुनो, अब एक गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी मुझे भी चलाना भी नहीं आता, अभी इसको सीखने के लिए ली है। ये सुनो, अभी चॉइस की गाड़ी नहीं आई है। मैं और मेरे ग्रेट अपलाइन रंजीत सर यहाँ पे खड़े हैं, मैं चाहता हूँ रंजीत सर की एक बार जोरदार धमाकेदार। क्योंकि सर और मैं बाइक पे एक साथ आते थे। सुनो, आज सर के पास 17 लाख की गाड़ी है। कितने लाख की? 17 लाख की। मेरे पास कितने लाख की है? 9 लाख की गाड़ी है। सुनो, अभी सर 2019 और 2020 में जगुआर गाड़ी ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? जगुआर। और जो मेरा टारगेट है कि इसी बिजनेस से 2020 का सूरज अस्त नहीं होगा उससे पहले सुरेंद्र सिंह चौहान इस बिजनेस से 40 लाख रुपए की BMW गाड़ी खरीद के बताएगा।